हेलो राधे राधे, कैसे हो आप? जय श्री कृष्णा। और मैं छत पे आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि नीचे पंखा है, बहुत आवाज़ कर रहे हैं, हमारा आवाज़ आती ना, तो मैं छत पे आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। और आप सभी कैसे हो? तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार की बात है बचपन की। तो बचपन की अब तो मुझे हंसी आती है, पहले मैं वास्तव में ये बात बचपन की बात है, अब तो बड़े हो गए तो हंसी आते हैं। ये टाइम बैसाख को महीना चल लो, और मतलब मेरे मम्मी पापा गए गेहूँ काटने के लिए। तो गेहूँ काटने गए तो जो न्यार कूटनी मशीन होते, मतलब भैंस को चारा कूटनी जो मशीन होती है, बापे उस पर बैठ के मैं झूल रही, झूलते झूलते मशीन के जो दांत थे का, उसमें मैंने अपने खेरे हाथ की उंगली लगा दी, और बापा ने गोल गोल चक्कर घूमने लगी। वो एक संग ऐसी घूमी कि मेरी एक उंगली कट गई, पूरी तो कटी नहीं पर हाँ, बाकी हड्डी मतलब वह गई, निकले हड्डी थी वैसे कट चुकी, हाँ लटक रही उंगली थी। तो हमारे गांव के एक बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो वैसी वहाँ बैठ के मजाक कर रहे के मतलब लाली ऐसी होंगी 10-12 साल की होंगी वह टाइम पे। मैं तो बोले के लाली अब तेरी शादी करेंगे, मतलब वहाँ पे मजाक करते रहते। गांव में पहले तो बहुत प्यार हो, अब पता ना है, अब तो हम बहुत दिन आते गए ना, कई साल है गई, 5-6 साल है गई। तो ऐसी मजाक कर रहे के लाली तुम्हारी शादी करेंगे, कैसा दूल्हा चाहिए, और मतलब कहाँ गांव में करवावेगी के शहर में करवावेगी, सरकारी नौकरी वाला देखेगी के प्राइवेट नौकरी वाला देखे। तो हम कहते के सरकारी नौकरी वाला देखियो बाबा, हाँ का तो सरकारी नौकरी वाला देखियो। तो मेरी छोटी बहनी वो कहती, जब मेरे नाना जी पूछते के बेटा तेरी शादी करेंगे तो कैसा लड़का देखे, तो कहती मतलब नाना जी तुम सरकारी नौकरी वाला देखियो के घर पे कोई रहेगा, फिर क्या कोई बात ना, मैं एक भैंस पाल लूँगी और घास में काट लाऊंगी। तो जी सब दवा के रहते छोटी वाली के, और मैं हमसे करते मजाक, तो हम जो कहते कि नाए सरकारी नौकरी वालों देखी हमारा का तो लड़का, और हम नाए वो प्राइवेट वाले करवा रहे। तो जी मजाक करते तो उंगली मेरी कट गई, ये वाली उंगली है देखो, अभी टेढ़ो नाखूने और यह निशान वन हो जाए उंगली पे, टेढ़ो नाखूने देख लो, तो जी कट गई मेरी उंगली। तो मतलब वो बाबा तक आए, उंगली कट गई, खून बह रहा, उन्हें अपनी साफी दी, मतलब मेरी उंगली बांध दी, बांध के तो किल्ला भी लग रहे। मेरे पापा को नाम अरे यार जी गोलगप्पे मारो रहा है वो। तो मेरे पापा ने थे माधव राजा कहवे, के माधव राजा वहाँ बहुत दूर थे, मैं दूसरे खेत थे आवाज मार रहा, दूसरे खेत थे जो मार रहे के, अरे राजा तेरी लड़की की उंगली कट गई है, तू जल्लिया जल्लिया तेरी लड़की की उंगली कट गई है। तो मम्मी पापा माते भाग के आए, और मतलब पहले इतने वाहन तो उतना है, मतलब साइकिल पे ही जाना आना हो तो दूसरे गांव में डॉक्टर हो, जो कहते हैं झूला छाप डॉक्टर, हाँ हते झूला छाप डॉक्टर है दूसरे गांव में। तो दूसरे गांव में वो साइकिल पे बैठा रखे, और मतलब वही बाबा पीछे थे, पापा आए गए तो जो मजाक करेगा वही मुझे लेके भागे। तो वहाँ टाँके फाँके बड़े उंगली में, और मतलब उंगली से पट्टी पट्टी बांधी, मना कर दी कि कोई काम मत करियो, गीले पीले में हाथ मत दियो, 15-20 दिन में सही हो जाएगी। तो मतलब मजाक मजाक में इतना बड़ा हादसा है वो, कि कछु पूछो मेरे संग तो कई हादसे ऐसे हुए। एक बार फिर वही टाइम की बात है, 2-3 महीना बाद फिर मेरे संग ऐसा हादसा हुआ कि मतलब मम्मी आई माते, छोटेपन में वैसे 10-12 साल की एज में हमने गांव में, आजकल तो बड़ी बड़ी इन पर खाना पीना ना बनाना आवे, तो 10-12 साल की एज में ही मतलब हमने खाना पीना बनाना सीख लो, ये सब ये मतलब यूना के ज़्यादा अच्छो ही बनाना सीख लो। तो 2-4 सब्जी बनाने सीख ली, और मतलब रोटी बनाने सीख ली। तो खेत पे थे यहाँ, मतलब मम्मी पापा तो मैं खाना पीना बना के रख लेती, खाना पीना बना के रख लेती मैं ते गाँव। तो मम्मी पापा आते ही माते, तो मम्मी खाना बना लो मैंने, तो मम्मी कह रही लाली भाई बर्तन पड़े, बर्तन ना साफ हो गए, हाँ मम्मी हो
गर्मी लग रही है। और बैसाखी महीना में तो गर्मी, जब अभी इतनी गर्मी है तो पहले तो बहुत गर्मी, तो बैसाखी महीना में गर्मी तो मन की गर्मी लग रही है। अभी ने पंखा के तूफानी पंखा हो जो वैसे रखे हुए के मम्मी रुक लियो ने हवा ले लें दो, और मैं तो कहूँ अभी बर्तन साफ करूँगी तो। और डॉक्टर ही मतलब पास में बैठो, दूसरा झूला टाइप डॉक्टर वो भी पास में बैठो। गर्मी के टाइम में ऐसे ही घर के पे आ के मैं चौकरन पे आके मतलब बैठ जा मैं तो वो भी बैठो। तो मैं जो पीछे को जो हाथ धर के पंखा पीछे चल रहा और मैं आगे बैठी हूँ पीछे हाथ धर के, मुँह पता ना है, और जाली वगैरह आगे जाली लग रही है और यूँ करके मेरी उंगली पंखा में चली गई। अब हंसी आ रही है, पहले हंसी नहीं आ रही, पंखा में चली गई उंगली देखा, फिर वो उंगली कट गई। और इतनी रो, इतनी खून बहगा, छितरी छितर है वहाँ पे। वो तो डॉक्टर पास में बैठो, डॉक्टर ने फिर संगी संग टांगे भरे और फिर उंगली को फिर ट्रीटमेंट करो। एक उंगली दो बार कट्टी कट कट गई। मैंने की पता मेरे साथ बचपन है भाई, भयंकर भयंकर हादसे भए कछु पूछो मत। आगे की बहुत सारी स्टोरी है जो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ओके बाय।